ये डीपीओ चकवाल को ये सदारती सम्मान मिला है, तो उस खुशी में ये चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इधर मुकामी मार्की में उनके आगाज में एक पुरतकल्लफ दौराने का अहतमाम किया। तो बहरहाल ये हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं, ये मुकामी मार्की में डीपीओ कैप्टन रेड वाइल महमूद के आगाज में चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक इस्तकबालिए का अहतमाम किया। तो इस मौके पर चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरपरस्त आला जफर बख्तावरी, चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी कादी मोहम्मद अकबर और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। तो बहरहाल पुलिस अफसरान जिसमें DSP मोहम्मद नदीम मलक के अलावा पुलिस अफसरान की भी बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। तो बहरहाल DPO जब इधर आरसी में पहुंचे तो चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। J7 माल चकवाल के डायरेक्टर कर्नल सैयद जमशेद शाह और नदीम समाजी कारकुन राजा मुजाहिद अफसर भी इस मौके पर मौजूद थे। और राजा मुजाहिद अफसर ने तो अपनी तरफ से ये तमाम सजात मिलने की खुशी में DPO को एक सोवेनर भी पेश किया। तो बहरहाल ये हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं। तो DPO ने इधर चकवाल पुलिस अवाम दोस्त पुलिस के नारा मस्ताना को दोहराया और कहा कि जब मैंने इधर चाय लिया 1.25 साल पहले तो ये अवाम दोस्त और चकवाल पुलिस अवाम दोस्त का नारा बुलंद किया था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हर मकाते में फिक्र के लोगों ने और सिविल सोसाइटी तमाम ने बड़ा तावन किया, जिसके नतीजे में ये मजमू तौर पर जिला चकवाल में अमन अमान की सूरत हाल बड़ी तसली बख्श किया। तो जफर बख्तावरी ने ऐलान किया कि ये DPO की जो शानदार खिदमात हैं इसके अतराफ में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी DPO वाहिद महमूद को अवार्ड दिया जाएगा। तो इस मौके पर चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाजी काजी मोहम्मद अकबर ने भी बड़ी पुरमगज और फिक्र अंगेज गुफ्तगु किया और फिर DPO चकवाल ने सारा इयाता किया अपनी 1.25 साल ने किस तरह उन्होंने अवाम के जान और माल के तफद को अवाम के दामन पर यकीनी बनाया। तो बहरहाल ये हम आपको काजी मोहम्मद अकबर और DPO के ये जो खिताब हुए हैं वो ये मुलाकात करें। आज की छोटी सी खूबसूरत तकरीब जो मुनक़द की गई है DPO चकवाल की तरफ से, जिसमें चकवाल चैम्बर और पुलिस अफसरान की अक्सरियत का मौजूद है। चैम्बर का और नकपे का ये बिल्कुल एक सामने है कि चैम्बर और चकवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमेशा से आपस में फाहमी तलकात की बुनियाद पर रहते हैं, अच्छे तलकात रहते हैं चकवाल चैम्बर के बीच। और जितने भी आज तक DPO साहिबान आए हैं या मौजूदा DPO साहिबान, क्योंकि चकवाल चैम्बर ने हमेशा फलाही कामों में अपने महत्व के साथ देते हैं, जो भी अच्छे मामलात हों उनको ले के चलते हैं। और यकीन जानिए कि हमारे जितने भी अफसरान पुलिस के DPO साहब से लेकर SHO इंस्पेक्टर DSP हमेशा हमारे साथ तावन करते हैं, हमें कोई गिला नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं लेकिन चूंकि एक पब्लिक डीलिंग है उसमें से हर बंदा राजी भी नहीं हो सकता, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि पुलिस है तो हम रात को सोते हैं, ये अगर ना हो तो हमें रात को सोने नहीं देते। तो इस पहलू में ये रात को जागते हैं हमारी खातर है। हम हमारा बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हमें रोके तो हमें गुस्सा आ जाता है कि इसने रोका क्यों है, ये कौन होता है रोकने वाले, ये जो सिपाही खड़ा है कोई भी खड़ा वो हमारी खातर है। वरना रात के 2 बजे सर्दी में अगर एक बंदा खड़ा है तो उसको क्या तकलीफ, उसके बीवी बच्चे सब है। तो हमें अपने महकमे के लोगों को इज्जत देनी चाहिए, चकवाल चैम्बर ने हमेशा इज्जत दी। और ये जो मेडल DPO साहब को अनायत हुआ है मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ये मेडल सारे चकवाल के हैं, सारी पुलिस के हैं। तो हम इंशाल्लाह यहाँ हमारे सरपरस्त जफर बख्तावरी साहब तशरीफ रखते हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर आरएफ रखते हैं और सारे चैम्बर के मेहरबानी बैठे हैं, तो हम भी जल्द अज जल्द इस खुशी में एक बहुत अच्छी तकरीब इनका करेंगे। और हम DPO साहब से वक्त मांगेंगे कि हमें वक्त दें कि एक अच्छा सा प्रोग्राम मिले, इससे तलकात इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनती है।
तो पुलिस वाले भी इंसान है, उनसे भी गलती होती है, ये कोई ऐसा नहीं है। वो 24 घंटे जागते रहते हैं ना, उनको वैसे मिजाज चिड़चिड़ा पाना जाता है। तो लेकिन अच्छे काम है। अभी रिसेंटली यहाँ हमारे कादिर जिनका दिन भरे सुबह 9 बजे लगातार रुपये देती है, तो ये कितनी जबरदस्त बात है कि विद इन डेज हमें फिक्र थी। वो हमारा भाई था अब्दुल जो मुस्लिम टेररिस्ट का है, जिस दिन हुई उस दिन को 9 बजे हुई थी सुबह, तो हम 11-12 बजे उसके पास मौजूद थे। मैं ख्वाजा आरफ और सारे दोस्त कामरान मिल के उसके पास गए। हमें इतनी तशवीश थी, लेकिन ये यकीन था कि इंशाल्लाह ये डीपीओ साहब की सरबराही में ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और थाना सिटी के SHO और उनके जितने अमले ने काबश किए, काबश के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। इंतहाई शाबाश के मुझे ये जो बरामदगी है ये काबिल तहसीन, ये काबिल तहसीन। जहाँ उनको इनकी खामियां भी बताते हैं, वहाँ की खूबी भी हमें बता रहे थे, इनको शाबाश देने चाहिए। ये डबल लाख मामूली रकम नहीं होता, एक सरमाया जो दुकानदार है उसका सारा सरमाया है, अगर वो डूब जाता तो वो डूब गया था। तो मैं चकवाल के अमर की तरफ से चकवाल सिटी के SHO उनकी टीम और सरबराई डीपी साहब की थी, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चोरी के डकैती थी, चोरी तो नहीं थी, डकैती थी। आपकी जो बरामदगी है इस सिलसिले में भी हम इंशाल्लाह एक अच्छा रिकॉर्ड करेंगे बहुत जल्द। इसके साथ ही क्यों रोड के टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा देर नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस सबको। सबसे पहले तो जिन बेहतरीन पुलिस अफसरान को आज यहाँ पर कैश अवार्ड मिले हैं, जिनकी हौसला अफजाई की गई है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बड़ा हमारे माशरे का लिए है कि जो तबकात जो अदारे हमारे लिए सबसे मुस्तर होनी चाहिए और जिनकी माशरे के अंदर तौकीर होनी चाहिए, इज़्ज़त होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए, उन्हीं की इज़्ज़त उस तरीके से नहीं की जाती जिस तरह से की जानी चाहिए। और आज की ये तकरीब इस लिहाज से बड़ी मुस्बत कदम है कि वो सही डायरेक्शन में एक सही कदम उठाया गया है। पुलिस की लोग बहुत कम तारीफ करते हैं और ये इसकी कई वजूहात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि चकवाल के जो DPO हैं कैप्टन साहब अब्दुल वाहिद साहब, जब किसी की लोग तारीफ करते हैं तो तारीफ जो है ना ये खुशबू की तरह होती है जो फैल जाती है। वो कहते हैं ना जा बजा फैल गई, बात बात कदीर आएगी खुशबू की तरह फैल गई। तो ये जो अच्छे काम होते हैं, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो जो लोग काम करते हैं लोग डीलर भी करते हैं, उनकी पेदराई भी करते हैं। मैं इस्लामाबाद चैम्बर से ख़ास तौर पर आज इस तकरीब के लिए आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अखबारात में लिखता भी रहा हूँ, मैंने पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, और मेरा हमेशा से ये चलन रहा है कि जो बंदा अच्छा काम करे उसकी तारीफ करो। मैंने कभी किसी गलत काम करने वाले की निशानदेही नहीं की कि ये बहुत गलत है, ये बहुत बुरा है। अगर किसी की अच्छाई की है तो वही लिखा है कि ये काम बहुत अच्छा करता है। तो आज की ये तकरीब भी उसी सिलसिले की कड़ी है, और इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह कैप्टन अब्दुल वाहिद साहब के साथ इस्लामाबाद चैम्बर के ज़ेर तमाम एक अच्छी तकरीब का इनेकाद करेंगे, और चकवाल चैम्बर की तरफ से भी उनके एजाज में एक तकरीब यहाँ भी की जानी चाहिए कि करेंगे, कि जैसे काजी अकबर साहब ने किया है। और मैं आप जैसे ही जो है वो रवानगी हुई यहाँ पे फौरन आप खिदमत में हाजिर हूँ। आज दरअसल बड़ा खाने का इनेकाद करके और जो कुछ हम अफसरान हमारे पास मौजूद हैं, जो पूरा साल गुजरा है उसमें तमाम जो स्पेशल ड्यूटीज हैं, स्पेशली जो हमारे
इलेक्शंस गुजरे हैं या हमारे मुहर्रम की ड्यूटियाँ गुजरी हैं, ईद दोनों ईदें गुजरी हैं, और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है तमाम थानाजात ने जो अपने अहम केसेस हैं तमाम को ट्रेस आउट किया और अच्छे तरीके से जो रोड पेंडेंसी है और चालान पेंडेंसी है क्लियर की। तो आज दरअसल एक शबाश का दिन है, तो बड़ा खाना जो है कॉमेमोरेशन है कि यू पीपल ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब और हम इसी तरह टीम वर्क के साथ अच्छे हमारे मसाइल हल करने में हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ चकवाल पुलिस अवाम दोस्त पुलिस विजन के साथ इंशाल्लाह आप लोगों की काबिशों के साथ चकवाल के अमन को बहुत अच्छी ड्यूटी सर अंजाम दी है, तो उनके जो कैश रिवॉर्ड है यहाँ पे तकसीम किए जाएंगे। विदाउट फर्दर अडू आई वुड लाइक टू से दैट जो ये तमाम जो अच्छी ड्यूटियाँ हैं या ईमानदारी और जानफिशानी के साथ जो आपने केसेस को वर्कआउट किया है, इसमें सबसे अहम केस हमारा जो अब्द जलील केस है वो हल किया गया, ब्लाइंड मर्डर केस था। हमारे पास डेकॉइटी के केसेस हैं जिसमें ट्रेसिंग की गई, बंदे अरेस्ट किए गए हैं। आई डू नॉट ठीक है आपने टाइमली रिस्पॉन्ड किया और आपने हमेशा बजाय लीतुलाल करने के विद नो टाइम फोर्स को पहुंचाया है, ठीक है, बेटर शाबाश। और एक अच्छे ऑफिसर की निशानी ये है कि वो जिस भी फील्ड में हो, स्पेशल ब्रांच में हो, इलीट में हो, सिटीडी में हो, या वर्दी में हो या बगैर वर्दी की ड्यूटी में हो, वो जान निशानी से अपना काम मुकम्मल करे। और इज्जत ये होती है कि आप अपने जिले के अंदर एक टीम वर्क की तरफ काम करेंगे। सिविल अवार्ड मिला बस्ता जो हो जाए सरकार के कदमों से हर चीज की